हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरद एजुकेशन में स्वागत है। आज होगा हमारा यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट कॉमर्स का 29 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर हमारा एक ये जो वीडियो होगी। ओके, देखिए इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन होंगे उसके भी प्रैक्टिस करेंगे। जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ए सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अडॉप्ट्स, ए सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अडॉप्ट्स। जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू करोगे लिटरेचर को, अब क्या अडॉप्ट करोगे, अब क्या अडॉप्ट, कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि एक्सप्लिसिट प्रोसीजर, इम्प्लिसिट प्रोसीजर, पर्सनल चॉइस प्रोसीजर और पीर सजेस्टेड प्रोसीजर, कौन सा वाला होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्सप्लिसिट मीन्स जो कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करोगे, मतलब उसका पूरा डिटेल स्टडी करना है, डिटेल स्टार्टिंग से लेकर आउटसाइड तक, क्या क्या कौन सा सॉफ्टवेयर हो, कहाँ कैसे करना है, कौन से एरिया में आपको सॉफ्टवेयर क्या करना है, रिसर्च करना है, और लिटरेचर रिव्यू कौन कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ मिलाकर हो सकता है वो एक्सप्लिसिट, पूरे एक्सप्लिसिटली वो आपको करना है, वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट प्रोसीजर। इम्प्लिसिट मतलब एक्चुअली जो आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट में, कौन सा टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो और लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हो, उसी को ही इम्प्लिसिट हम बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट मतलब ओनली आपका जो टॉपिक है उसी के ऊपर स्टडी करना, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब सब कुछ है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है और किसका हेल्प लेना है, ये सब कुछ आ जाएगा एक्सप्लिसिट में। और पर्सनल चॉइस जो है वो गलत है, पर्सनल चॉइस आप यूज नहीं कर सकते हो। और पीर सजेस्टेड समटाइम्स आप यूज कर सकते हो, बट पीर सजेस्टेड जो कि आपका रिसर्च के लिए, आपका पीएचडी के लिए सफिशेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्सप्लिसिट प्रोसीजर हो जाएगा, ये सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अडॉप्ट्स एक्सप्लिसिट प्रोसीजर। देखिए ये लिटरेचर रिव्यू इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एकेडमिक लिटरेचर ऑन ए गिवन सब्जेक्ट। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एकेडमिक लिटरेचर ऑन ए गिवन सब्जेक्ट बोल रहा है, ये सिस्टमेटिक रिव्यू क्या बोल रहा है, देखिए सिस्टमेटिक रिव्यू इज ए रिगोरस एंड सिस्टमेटिक टेक्निक टू रिव्यू द अवेलेबल लिटरेचर। देखिए आपको क्या करना है, पूरे रिगोरसली, पूरे सिस्टमेटिकली और स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ से करना है, कौन सी मेथड यूज करना है, और जब आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करोगे और कौन सी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये सब कुछ आपको किस में, कौन सी एरिया, कौन सी मेथड में हो सकता है, जो कि आपका एक्सप्लिसिट मेथड में ही हो सकता है, जो कि द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इंक्लूडिंग नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द लिटरेचर, इट ऑल्सो लेट डाउन हाउ एंड वेयर अभी बोल रहा था, इन्फॉर्मेशन इज सर्च्ड एंड व्हाट टेक्टिक्स एंड टूल्स हैव टू बी यूज्ड, क्या करना है, हाउ करना है, वेयर और व्हिच टूल्स आप यूज करोगे और कैसे सर्च करोगे, कौन सी मेथड्स यूज करोगे। ओके, इट क्लियरली स्पेसिफाइड द सब्जेक्ट मैटर एम्प्लॉयज सिस्टमेटिक एंड एक्सप्लिसिट प्रोसीजर टू डिस्कवर द सिलेक्टेड लिटरेचर। ओके, सिलेक्टेड लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सप्लिसिट प्रोसीजर चाहिए। देखिए सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, सो यहाँ पर आंसर वो ये वन हो जाएगा। सम फीचर्स ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, इट्स एप्लीकेशन ऑफ ओवर्ट एंड एक्सप्लिसिट टेक्निक्स, इट एडहेरेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड सीरीज ऑफ रिसर्च फेज, इट्स मैंडेटेड दैट द रिव्यू बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड अपडेटेबल, इट डिपेंड्स यूजर्स पार्टिसिपेशन टू मेक श्योर रिपोर्ट्स आर प्रिंटेड एंड हेल्पफुल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वोल्टी। जो आप वोल्टी यूज कर मोबाइल में यूज कर रहे हो, जो एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन कौन सी वर्जन में आता है, ओके वोल्टी में आता है ना। ओके, वोल्टी का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए वोल्टी स्टैंड फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इट इज ए डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस डिलीवर्ड ओवर IP वाया एंड LTE एक्सेस नेटवर्क, प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अ स्पेक्ट्रम दैन ट्रेडिशनल वॉइस, एलिमिनेट द नीड टू हैव वॉइस ऑन वन नेटवर्क, इट प्रोवाइड्स डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस डिलीवर ओवर IP वाया एंड LTE एक्सेस नेटवर्क, प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अ स्पेक्ट्रम दैन ट्रेडिशनल वॉइस,
एलिमिनेट्स द नीड टू हैव वॉइस ऑन वन नेटवर्क एंड डाटा ऑन अनदर नेटवर्क. चूज द करेक्ट आंसर. क्या होना चाहिए, एबीसीडी होना चाहिए ना बीसीडी होना चाहिए, और एबीसी हो सकता है और एसीडी हो सकता है. क्या हो सकता है, देखिए आपका आंसर हो जाएगा बीसीडी हो सकता है, बीसीडी हो सकता है. देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या बोल रहा है इट इज ए डिजिटल पैकेज, इट इज ए डिजिटल पैकेज वॉइस सर्विस डिलीवर बाय आईपी भाया भाया एलटी प्रोसेस नेटवर्क. एलटी नेटवर्क के थ्रू ये जो बोल्टी होता है ये इसको प्रोसेस होता है. और नेक्स्ट देते प्रोवाइड्स मोर इफिशेंट यूज, जो स्पेक्ट्रम को आपका जो इंटरनेट स्पीड हो, मोबाइल का यूसेज जो हो बहुत स्पीड होता है, क्योंकि आप जब स्क्रीन टच करते हो इमिडिएटली वन स्क्रीन से अदर स्क्रीन को जाता हो, वन फीचर से अदर फीचर को जा सकते हो, नहीं वन पेज से अदर पेज को भी जा सकते हो. ओके इमिडिएटली जा सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको नेटवर्क हो डाटा हो आप अच्छे से यूज कर रहे हो. नहीं एलिमिनेट द नीड टू हैव वॉइस ऑन द नेटवर्क एंड डाटा ऑन अनदर नेटवर्क. एलिमिनेट्स द नीड टू हैव वॉइस ऑन वन नेटवर्क एंड डाटा ऑन अनदर नेटवर्क. ओके ये सब हो गया, उसका आंसर हो गया. देखिए ये वोल्टेज ए पॉपुलर टर्म इन द इंटरनेट वर्ल्ड, ये तो बहुत पॉपुलर है नहीं कि, क्योंकि हम हमारा जो मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड में इसको यूज कर रहे हैं. इट स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. ये क्या बोल रहा है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. यहाँ पर क्या बोल रहा था, लॉन्ग टर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर. इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा वन हो जाएगा. ओके सॉरी आपका आंसर वन हो जाएगा और चारों हो जाएगा. वोल्टी स्टैंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो जाएगा. इट इज डिवाइस फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर द मोबाइल फोन्स एंड डाटा टर्मिनल्स. ये क्या करता है, हाई स्पीड वायरलेस यूज करता है, जो कि आपको डाटा को कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि मोबाइल से मोबाइल तक और नेटवर्क से मोबाइल तक. ओके इट इज ए डिजिटल पैकेज वॉइस सर्विस दैट इज सप्लाइड ओवर आई पी ओवर एंड एल टी ई एस एस. ये एल टी ई एस एस नेटवर्क के ऊपर ये क्या करता है, ये सर्विस को प्रोवाइड करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है. एंड यूज आई एम एस टेक्नोलॉजी. कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है, आई एम एस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है. इट मोर इफेक्टिवली यूटिलाइज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम को ये बहुत अच्छे से यूज करता है, जैसे कि जितने भी आएगा जनरेशन आएगा, जनरेशन चेंजेस आएगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ फिफ्थ, अभी हमारा फिफ्थ जनरेशन लॉन्च हो गया है. नहीं अभी हमारा फिफ्थ जनरेशन लॉन्च हो गया, जितना भी लॉन्च ज़्यादा लॉन्च होगा उसी हिसाब 5G लॉन्च हो गया, उसी हिसाब से क्या होगा, वोल्टी का यूज और भी ज़्यादा होगा, उसका स्पीड और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो नेटवर्क होगा नेटवर्क को और अच्छे से और भी और बहुत स्पीड से वो यूज करेगा. वोल्टी एनेबल्स वॉइस कॉल्स टू बी पैकेज्ड एंड ट्रांसपेरेंट एसेस एलटी नेटवर्क. जो कि हमारा वॉइस कॉल होता है और वीडियो कॉल होता है उसमें क्या होता है ना, जो साउंड बैकग्राउंड साउंड को वो नॉइज फ्री करता है बैकग्राउंड साउंड को नॉइज फ्री कर देता है और इमिडिएटली इजीली वो कनेक्ट करता है. तो ये इसमें भी हमको बहुत सारा हेल्प करता है. वोल्टी प्रोवाइड्स मोर इफिशियंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम देन ट्रेडिशनल वॉइस. ट्रेडिशनल वॉइस से ये बहुत यूज ज्यादा कर रहा है. एलिमिनेट द नीड टू हैव वॉइस ऑन द वन नेटवर्क एंड डाटा ऑन अनदर. ओके सो द करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे चारों करेक्ट होगा. यहाँ पर बी सी डी में लिख लिया है कि चार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ये भी है, स्टैंड्स पर वोल्टी स्टैंड्स पर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका भी ये भी फास्ट वाला भी आंसर हो जाएगा. एल टी इज ए हाई स्पीड मोबाइल डाटा टेक्नोलॉजी. मोबाइल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन 3G और 4G और 5G. इट इज ए इवोल्यूशन ऑफ अ यूनिवर्सल मोबाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम MTS, जो कि MTS है, MTS नेटवर्क सिस्टम जो है, ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. टू स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, टू स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, जो कि स्टेटमेंट वन में क्या है, इन इंडिया इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन हैज बीन कॉन्स्टेंट बाय लो कम्प्लीशन रेट्स एट सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, बाय 2030 ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी क्लोज्ड. नहीं इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर. क्या बोल रहा है, इन इंडिया इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन. यहाँ पर हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हैज बीन कॉन्स्टेंट बाय द लो कम्प्लीशन रेट्स एट द सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन में ये क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है.
स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, बाय 2030 ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन स्टूडेंट भी क्लोज थी। नहीं, ये वन वाला ठीक हो सकता है, टू वाला गलत हो सकता है। नहीं देखिए, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। देखिए, इन इंडिया इन हैज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सपोर्टेड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। स्टेटमेंट वन, इन इंडिया इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन हैज बीन कंस्ट्रेंट बाय लो कंप्लीशन रेट एट द सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। सेकेंडरी एजुकेशन लेवल क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वन करेक्ट बोला। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज द प्राइमरी गवर्निंग बॉडी एट द टेरिटोरियल लेवल। इंडियाज एनरोलमेंट रेट इज 9% इज कंपेरेबल टू दैट अदर नेशंस विथ लो मिडिल इनकम। इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट बाय द लो कंप्लीशन रेट्स एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। ओके, सो दैट स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, बाय 2030 ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी क्लोज। क्या बोल रहा है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम इन्वॉल्व लुकिंग एट द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्रिप्टिव ऑफ द अदर एकेडमिक फील्ड। नहीं, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। हमारा ये न्यू फोकस है जो कि हायर एजुकेशन थ्रू ए वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी गारंटीज द लर्नर्स फ्रीडम एंड ऑटोनोमी इन चूजिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी। ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट टू जो कि वो क्लोज हो जाएगा। नहीं, ये अभी तो हमारा गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट टू माने एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर बहुत सारा फोकस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू का प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो क्या बोल रहा है, ये एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर रजिस्टर, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, वीराम वीडियो राम। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए, एबीडी होना चाहिए और एबीसी होना चाहिए, सीडीई होना चाहिए या बीसीडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर। देखिए, आंसर होगा हमारा ए बी सी ई हो सकता है। देखिए, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सी यू कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर रजिस्टर। जो हमारा जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंपोनेंट होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड पॉइंटर एक कंपोनेंट होता है, कैच एक कंपोनेंट होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU गोटे होता है, सीपीयू क्लॉक एंड कंट्रोल यूनिट ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM होता है, सपोर्टिंग सर्चिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल, हाइपर थ्रेडिंग एक होता है। देखिए, यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर आर एबल टू सॉल्व द इशू बाय प्रोसेसिंग डाटा इन डिस्क्रीट फॉर्म। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रहा है, जो SSD और VRAM ये दोनों है क्या है, ये जो दोनों है क्या है कि ये आउटसाइड में आता है। CPU में आप क्या लेकर उसको इंस्टॉल करते हो, बट CPU में ये सब पार्ट है, CPU का ये सब पार्ट है, इसलिए SSD और VRAM नहीं होगा। ओके, देखिए, जो कि द फोर फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर द इनपुट डिवाइस, जो कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा जो टोटल कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फोर पार्ट्स मिनिमम रहता है, जो कि इनपुट डिवाइस एक, आउटपुट डिवाइस एक रहता है, एक मेन मेमोरी एक रहता है, और एक क्या रहता है, सीपीयू एक रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, उसको हम ब्रेन कहते हैं। उसका सिक्स मेन कंपोनेंट होता है, जो कि कंट्रोल यूनिट एक रहता है, एलयू रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर रहता है, कैच रहता है, बसेस रहता है, क्लॉक रहता है, ये उसका मेन कंपोनेंट्स होता है। ओके, ऑल प्रोसेसिंग फॉर एनी अटेड पेरिफेरल डिवाइसेस वाज लाइकली फिनिश्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारा SSD दिया था, सॉलिड स्टेट ड्राइव इज ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया दैट स्टोर्स कॉन्स्टेंट डाटा ऑन सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी। ओके, VRAM इज ए RAM दैट इज यूज टू स्टोर इमेज डाटा फॉर द कंप्यूटर डिस्प्ले। ओके, जो कि ये दोनों बाहर से आते हैं, उसको लेके हम CPU में इंस्टॉल करते हैं, इसलिए ये CPU का कंपोनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पोटेंशियल गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, ऑल पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स आर सिंथेटिक केमिकल्स। ऑल पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स आर सिंथेटिक केमिकल्स। स्टेटमेंट टू, देर आर मेनी ऑफ द इमर्जिंग कंटेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू बायो अक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। बायो अक्यूमुलेट एंड वाइल्ड
इन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस, क्या बोला है, ऑल पोटेंशियल पोल्यूटेंट्स आर सिस्टमेटिक सिंथेटिक केमिकल्स, क्या बोला है, सिंथेटिक केमिकल्स बोल रहा है स्टेटमेंट, क्या बोला है, मेनी ऑफ द इमर्जिंग कंसर्न्स हैव बीन ऑब्जर्व टू बायो बायो अक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। कौन सा वाला करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स होगा, स्टेटमेंट वन ट्रू होगा, स्टेटमेंट टू फॉल्स होगा, स्टेटमेंट वन फॉल्स होगा या स्टेटमेंट टू ट्रू होगा, क्या होगा आंसर, हमारा आंसर स्टेटमेंट वन ट्रू होगा, क्योंकि ऑल पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेंट्स आर सिंथेटिक केमिकल्स होता है, और स्टेटमेंट ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट वन फॉल्स हो जाएगा, ऑल पोल्यूटेंट्स आर नॉट सिंथेटिक केमिकल, सॉरी मैं ये गलत बोल दिया, जो कि ऑल सभी कैसे हो सकते, सभी केमिकल्स कैसे हो सकते हैं, नहीं कुछ अलग तरीके वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है। सो वन वाला गलत हो जाएगा, टू वाला ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि मेनी ऑफ द इमर्जिंग कंपोनेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू बायो एक्युमुलेट वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, और बायो 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 लाइफ को वो क्या करे, हार्मफुल करे। ओके, ऑल पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट इज प्रेजेंटेड इन कॉन्सेंट्रेशन दैट कुड बी हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, देखिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी वो हार्मफुल है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, द मेजोरिटी ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ड्राइविंग एंड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये सब एरिया से जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो, ड्राइविंग हो गया, एमिशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री हो गया और एग्रीकल्चर, ये सब एरिया से क्या होता है, हमारा पॉल्यूटेंट सब निकलता है। दिस मे बी नेचुरली और मे हैव बी ह्यूमन कॉज्ड भी हो सकता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वन आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर्स, ग्राउंड लेवल जोन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब हो गया क्या, सब इम्पोर्टेंट क्या पॉल्यूटेंट्स हो गया जो कि केमिकल थ्रो हो सकता है। ओके, सो दैट ये स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू है, मेनी ऑफ द इमर्जिंग कंपोनेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू बायो एक्युमुलेट इन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। बायो एक्युमुलेशन इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अ सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म। इन ए सिंपल वर्ड, हाउ कंटामिनेंट्स गेट इनटू द फूड चेन। इन सिंपल वर्ड, हाउ कंटामिनेंट्स गेट इनटू द फूड चेन। सम कंटामिनेंट हैव बायो एक्युमुलेटेड इन पीपल एंड एनिमल्स वर्ल्ड वाइड एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्वेटिक कंटेंट्स। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, स्टेटमेंट टू हो गया। बायो एक्युमुलेशन इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन सब्सटेंसेस ऑर्गेनिज्म में, ये अभी चेंज हो रहा है, अभी बहुत सारा फैल रहा है जो कि ओके ये हो गया हमारा सेकंड। और एक क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। टीचर ए, क्वेश्चन यहाँ पर है, टीचर के ऊपर है। टीचर ए यूज चौक एंड बोर्ड एंड डायरेक्टेड नोट्स टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। टीचर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, चौक यूज कर रहा है और बोर्ड यूज कर रहा है एंड डायरेक्टेड से जो नोट्स यूज कर रहा है, जो हैंड नोट्स हो सकता है या कुछ नोट्स हो सकता है उसको यूज कर रहा है। ओके, क्लासरूम में यूज कर रहा है। टीचर बी क्या कर रहा है, यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टीचर बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर रहा है और LMS फॉर द प्रोवाइडिंग डिजिटल रिसोर्सेज। व्हिच ऑफ द मॉडल मोड्स ऑफ टीचिंग आर यूज्ड बाय द टीचर ए एंड बी। टीचर ए एंड बी कौन सा मोड यूज करे, यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है बोथ ऑफलाइन नहीं। टीचर ए हो सकता है आपका ऑफलाइन हो सकता है और टीचर बी ऑनलाइन हो सकता है। देखिए लास्ट वाला आंसर हमारा हो जाए। ओके, लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था जो कि ब्लैक बोर्ड हम काम पर यूज करते हैं, जो कि ऑफलाइन कोचिंग में ट्यूशन में यूज करते हैं और कोचिंग में यूज करते हैं और क्लास में यूज करते हैं, और ऑनलाइन काम पर क्या क्या यूज करते हैं, जो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, गेम बेस्ड टीचिंग हो गया, लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो गया। ओके, ये सब हो गया हमारा ऑनलाइन वाला जो कि कोर्सेस हो गया, जैसे कि MOOC हो गया, स्वयं हो गया, ये उसका हमारा गवर्नमेंट का एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड टू फॉर ICT एनेबल्ड टीचिंग। ICT एनेबल्ड टीचिंग के लिए कौन सा वाला हो सकता है, पेपर चार्ट हो सकता है, फिजिकल मॉडल हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है। देखिए ICT के लिए हमको पेपर चार्ट नहीं चाहिए, फिजिकल मोड नहीं चाहिए, ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए और प्रोजेक्टर हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा, तो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MOOC इज द हायर एजुकेशन इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। व्हिच ऑफ द MOOC के लिए कौन सा वाला करेक्ट हो सकता है, दे आर लर्निंग सेंट्रिक,
दे कैन बी डिलीवर्ड ओनली थ्रू स्वयं पोर्टल दे कैन बी बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स दे कैन बी एक्सेस एनी टाइम एनी व्हेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑल बुक्स आर फॉर लर्निंग क्रेडिट। क्या बोला, क्या आपका आंसर होता है? ए एंड डी हो सकता है या सी डी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी डी हो सकता है। क्या आपका आंसर हो सकता है? आपका आंसर हो सकता है ए सी डी हो सकता है, ए सी डी हो सकता है। ए क्या बोल रहा है, दे आर लर्नर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक है। सी बोल रहा है दे कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर, यहाँ पर आ सकते हैं। दे कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनी वेयर एंड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ये स्वयं के थ्रू भी होता है बट हाँ ओनली नहीं, ओनली नहीं। ओके, दे आर की पॉइंट्स देख लेते। दे आर टू मेथड्स ऑफ बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड टीचर, देखो ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स विद द एडवांस ऑफ चिप टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासरूम बिकम इफेक्टिव टूल फॉर रीच द स्टूडेंट्स, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम जब से स्टार्ट आ रहा है वो बेहतर से बेहतर और बहुत सारा बहुत एरिया छोटे छोटे एरिया भी हम कवर करें। क्या ऑनलाइन से आप कवर करें? मूक मतलब देखिए, मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन लर्निंग प्रोसेस, मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन लर्निंग प्रोसेस। द टर्म ओरिजिनेटेड इन द US इन 2008 टू डिस्क्राइब फ्री इजी एसेसेबल कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्सेस है। ओके, फ्री एसेस इजिली एसेस, फ्री इजिली एसेसेबल कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि 2008 में आया था US में, ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। और मूक गिव्स यू ए चांस टू स्टडी द टॉप यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड आप इसके थ्रू आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। मूक डोंट अलाउ लीड टू फाइनल फॉर्मल क्वालिफिकेशन, बट इसमें कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं होता, बट आपको लर्न करने के लिए आपका इच्छा होना चाहिए। बट दे डू नॉट मीन एनी एनी वन कैन गिवन कैन नॉलेज इन द ऑल सॉर्ट ऑफ एरिया, बट हर कोई नहीं सकता। कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, तभी जाकर आप उस हिसाब से आप कोर्स में क्या एनरोल हो सकते हो। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ ए मूक, इंडिया कैसा है जो कि सेकंड लार्जेस्ट मूक मूक यूजर है। ओके, देखिए फीचर्स ऑफ मूक क्या, हायर एजुकेशन इन इंडिया, इट हैज ए सेल्फ पेस्ट एंड शेड्यूल कोर्स दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू मोबाइल लैपटॉप टैबलेट एंड एनी एट एनी टाइम। कोर्सेज आर अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस फॉर फ्रॉम क्लास 9th टू अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है 9th से स्टार्ट होकर। ओके, स्वयं इज द इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय MHRD, जो कि और माइक्रोसॉफ्ट फंक्शंस टू डिलीवर कंटेंट ऑफ लर्नर। यहाँ पर स्वयं और माइक्रोसॉफ्ट दोनों क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज ए फ्री कॉस्ट ऑफ लर्नर, लर्नर हुयर सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज चेंजेस एंड अमाउंट यूज यूजर्स कैन ऑप्शन फॉर क्रेडिट बेस्ड और नॉन क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ACD हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन हो गया जो कि नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।